हेलो गाइस, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स जर्नी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने हेयर प्रॉब्लम को लेकर। हमें कुछ ना कुछ कॉमन हेयर को लेकर प्रॉब्लम रहती ही है। हेयर फॉल हो, फ्रीजी हेयर, रफ हेयर, ड्राई हेयर और जल्दी समय पर बालों का सफ़ेद हो जाना, ये प्रॉब्लम जेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ सब में है आजकल। ये इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होना, खान पान चेंज होना हो सकता है। हो सकता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा धूप में रहने की वजह से भी हमारे हेयर डैमेज हो सकते हैं। हार्मोन चेंज की वजह से भी काफ़ी और चेंजेस होते हैं हमारे हेयर्स में, हेयर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। कुछ होते हैं जो हम पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हैं उस वजह से, और ये कुछ होती हैं जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सब जानते हैं बाल हमारे कॉन्फिडेंस होते हैं, सभी के बाल उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होते हैं। किसी के बहुत लॉन्ग हेयर, हेल्दी शाइनी हेयर हैं, वो अपने बालों से खुश है तो वो अलग ही दिखता है, उनके ऊपर शो करता है। और जैसे ही बाल झड़ने लगते हैं, कम होने लगते हैं, उनमें गंजापन अगर शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर ख़त्म होने लगता है, लो होने लगता है। तो बाल एक हमारे जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं हेयर प्रॉब्लम्स को। अगर हम उनके रूट कॉजेज को जानने लग जाएंगे कि ये समस्याएं हेयर फॉल की, हेयर रफ होने की या सफ़ेद होने की बाल क्या समस्याएं हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट उतनी ही अच्छे तरीके से और जल्दी कर पाएंगे। मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर अपनी हेयर प्रॉब्लम को लेकर, कि मुझे कब हेयर प्रॉब्लम चालू हुई और मैंने कब इसका ट्रीटमेंट किया, मुझे कब फ़ायदा हुआ। आप जानते हैं हम में से बहुत सारी महिलाओं को हेयर प्रॉब्लम्स और हेयर फॉल होने की जो समस्या होती है वो चालू होती है प्रेगनेंसी के बाद में। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी ये कॉमन प्रॉब्लम थी। प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, हेल्दी और शाइनी हो गए थे। पूरे 9 महीने बहुत काफ़ी अच्छे बालों की ग्रोथ रही। मैं बहुत खुश थी अपने बालों से कि यार चलो मेरे बाल शाइन कर रहे हैं, हेल्दी हैं। जो इवन जो प्रेगनेंसी से पहले बाल जितने मेरे टूटा करते थे ना, वो भी ख़त्म हो गए थे उस प्रेगनेंसी पीरियड में। ये हो सकता है, मैंने जब डॉक्टर से अपने पूछा तो उन्होंने मुझे इसका पीछे का रीज़न भी बताया कि जो हम लोग मल्टी विटामिंस खाते हैं, कैल्शियम, आयरन लेते हैं, उसकी वजह से, हार्मोन चेंजेस की वजह से जो हमारे शरीर में एस्ट्रोजेंस बढ़ते हैं, उनकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बेसिक रीज़न था मेरे अच्छे बालों का, जिनसे मैं बहुत खुश थी। और फिर वो दिन आया जो कि ये खुशी जल्दी ख़त्म होने वाली थी, और वो बहुत ही टफ डेज थे मेरे लिए, जब मेरे बाल धीरे धीरे गिरना चालू हुए, कॉम करते समय मेरे हाथ में आ जाते थे, इवन टावल में मिल जाते थे मुझे, कभी मेरे पिलो पर बहुत सारे बाल मुझे मिल रहे हैं, मेरे कपड़ों पर मिल रहे हैं। तो मैं इस समस्या से इतनी फ्रस्ट्रेट थी, इतनी ज़्यादा मुझे लो कॉन्फिडेंस होने लग गया था एक समय पे, कि मैं रोने लग गई थी कि अपने कहीं मैं गंजी नहीं हो जाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसको लेकर इनसिक्योरिटी थी मेरे बालों को लेकर, कि ये मैं अपने बालों को, अच्छे बालों को खो रही हूँ। फिर मैंने इसके पीछे के रीज़न को जाना कि क्या मेरे से गलती हुई है, क्या कारण है इस हेयर फॉल का। क्योंकि मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जब बाल अच्छे थे, फिर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ये सब चालू हुआ विद इन अ 2 or 3 months के, जब नित्या हो गई थी उसके 2-3 महीने बाद ही मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। मेरे जो आसपास लोग थे सब बोलने लग गए थे कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो मदर के बाल झड़ते हैं, बाल टूटना कॉमन है अगर बच्चा फीड कर रहा है। तो ये एक तरह का मिथ मान सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसे पर्सनली मिथ ही मानती थी, क्योंकि मुझे फैक्ट्स पसंद है, मुझे फैक्ट चाहिए होता है। तो मैं इन बातों को नहीं मानती थी कि ब्रेस्ट फीडिंग से बाल कैसे झड़ सकते हैं, नहीं। फिर मैंने रिसर्च चालू करी बहुत ज़्यादा इस पर कि क्या ये ऐसा होता है। अगर मेरे आसपास जो थे लोग कहने लग गए थे कि अगर 6 महीने तक ये प्रॉब्लम रहेगी फिर से आपको नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे आपके बाल जब आपका बेबी सॉलिड फूड पर आ जाएगा। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने उसी टाइम रिसर्च चालू कर दी, क्योंकि मैं अपने बालों के साथ और रिस्क नहीं ले सकती थी, और नहीं 3-4 महीने का वेट कर सकती थी कि ये सारे बाल मेरे झड़ जाएँ और फिर मैं नए आने का वेट करूँ, ऐसा नहीं था। फिर मैंने इसकी कॉमन समस्या को जाना, फिर मुझे लगा कि जो मैं पहले दवाइयाँ ले रही थी क्या मैं वो अब ले रही हूँ,
नहीं। इतने होने के बाद ही अपनी जो भी दवाइयाँ थी मल्टीविटामिन से आयरन कैल्शियम मैंने बंद कर दी थी, वो भी एक कारण हो सकता है कि मेरा जो हेयर फॉल है वो शुरू हो गया था। क्योंकि जो एक नरिशमेंट है और जो मुझे प्रॉपर उस टाइम पे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी आपको बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, आयरन कैल्शियम की नीड रहती है, तो आपको उस टाइम पे भी लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वो नहीं लिया था, वो भी एक कॉज था। और जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तब तक मैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल ऑयल यूज़ कर चुकी थी, शैम्पू जिसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं, कंडीशनर वो सब यूज़ कर चुकी थी, सैलून ट्रीटमेंट ट्राई कर चुकी थी, और जब तक मुझे पता नहीं कि वो मेरे लिए कितने हेल्पफुल हैं या नहीं, उसमें कितने हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं जो मेरे हेयर को और डैमेज कर सकते हैं। फिर मुझे हेल्प मिली मेरी एक फ्रेंड से जिसने मुझे आयुर्वेदिक ऑयल के बारे में बताया, विच इज़ मेड बाई नेचुरल थिंग्स हर्ब्स, जो कि आपने सुना ही होगा, आंवला होता है, शिकाकाई हो गया, नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, ऑनियन हो गया, ये सब चीज़ें उसमें थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक हर्ब होती है ब्राह्मी, और उसमें होता है सेसमे सीड्स थे, तो आज मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू यहाँ करने वाली हूँ, विच इज़ टोटली फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। ये है वो ऑयल जिसकी मैं बात कर रही थी, ये है त्रिखा ऑयल, कासीवाल्स का त्रिखा ऑयल, हर्बल ऑयल है ये। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ आज इन ऑयल के बारे में, कि मैंने इनको यूज़ किया और मुझे इससे क्या बेनिफिट्स मिले। सो गाइज, ये एक तो इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये सब आयुर्वेदिक बेस्ड बने हुए हैं। आप देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स आप इनके प्रोडक्ट पर देख सकते हैं। सो गाइज, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, जो भी है वो इस पैकेट पर यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सो गाइज, दिस त्रिखा हर्बल हेयर ऑयल इज़ एनरिच्ड विद नेचुरल प्रोटीन एंड नो हार्मफुल केमिकल्स। सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की मुझे ये लगी कि ये फ्री फ्रॉम केमिकल्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट ये बना है नेचुरल थिंग से बना है, इसे मैं बिना सोचे समझे भी यूज़ कर सकती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी और फ़ायदा ही देगी। इसमें शंख पुष्पी जैसे औषधि है, इसमें आंवला जैसा औषधि है, हर्ब है, और भी चीज़ें हैं। जब मैंने इस प्रोडक्ट को 3 हफ्तों तक यूज़ किया तब मुझे फ़र्क नज़र आया, मेरा जो हेयर फॉल था वो कम होने लग गया, हेल्दी बाल होने लगे, शाइनी होने लग गए, जो फ्रीजी हेयर थे वो कम होने लग गए, स्प्लिट एंड्स भी इवन कम हुए मेरे, और इससे मुझे फ़ायदा मिला कि मेरे बालों की जो ग्रोथ थी वापस से अच्छी होने लग गई थी। आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बालों की जान वापस आ गई है और मेरे बाल फिर से स्मूथ हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं। और थैंक यू त्रिखा हर्बल हेयर ऑयल्स जिसने मेरे बालों की जान बचा ली। आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करना है तो उसका इस्तेमाल अच्छे से आना चाहिए, आपको उसका यूज़ करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी वो काम करता है, वो कारगर रहता है। मैं क्या करती थी, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। मैं ऑयल लेती थी, अपने स्कैल्प और हेयर पे अप्लाई करती थी, हथेली पर लिया, रब किया हल्का सा, और आपने अपने हेयर्स और स्कैल्प में लगाया और फिंगर टिप्स से मसाज करना स्टार्ट किया। उसके बाद मसाज करेंगे थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट तक आप अच्छे से मसाज करें। फिर जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर ग्रोथ में, जड़ों को मजबूत करने में, तो आपका ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी मसाज पहले होना। फिर उसके बाद आप उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने के बाद आप किसी भी जेंटल शैम्पू से, आप माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लीजिए अर्ली मॉर्निंग, और आप चाहें तो शैम्पू से 2-3 घंटे पहले भी ऑयल मसाज करके रख सकते हैं, चंपी कर सकते हैं। फिर आप 2-3 घंटे बाद हेयर वॉश कर सकते हैं किसी भी अच्छे शैम्पू से। तो सिंपल है ना, अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना, फिर से वापस अपने बालों को हेल्दी और शाइनी बनाना। मुझे ये प्रोडक्ट दिल से बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू दिया जाए और लोगों की भी हेल्प की जाए जो मेरे जैसे हैं और हेयर फॉल से परेशान हैं। तो मैंने इसका रिव्यू किया है और आपको कैसा लगा ये बताइएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एकदम बजट फ्रेंडली ऑयल है। अब तक मैंने इतने महंगे महंगे शैम्पू ऑयल सब यूज़ किए, मुझे किसी में बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन एक ये ऐसा ऑयल है जो कि आपके कम बजट में आ सकता है। बहुत ही कम रेट है, कम प्राइस है इस ऑयल का, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ इस प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हैं।
और मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मैं नित्या के साथ ट्रैवल करती ही रहती हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, और मेरा चैनल है द वेजिटेरियन ट्रैवलर के नाम से। अगर आपने अभी तक मेरा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपको आई बटन में भी ज़रूर दिखाई देगा, वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं, और मेरा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द वेजिटेरियन ट्रैवलर का, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमारी ट्रैवल जर्नी को इंजॉय कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करेगा, और सब्सक्राइब अगर आपने मेरा चैनल नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी।